ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 12 सितंबर की शिवा में पहुंचे हैं। एक है ट्रस्टी होकर के हर कार्य को संभालना, और एक हो गया है कि सब कुछ मेरा है, सारी मेरी चीज़ें हैं, मेरी जिम्मेवारी है, और उसका बोझ लेकर के हर चीज़ को संभालना। तो परमात्मा कहते हैं ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए। लौकिक मतलब घर बार को, कमाई वमाई को, जॉब वॉब को, हर चीज़ को जिम्मेवारी को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट हवा। अथक रहने वाले डबल लाइट हुआ। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल लाभ कैसे मिलता है? परमात्मा से दुआएं मिलती हैं, लोगों से दुआएं मिलती हैं। जब आप सेवा कर रहे होते हो और साथ साथ अपनी जॉब को भी संभाल रहे होते हो, अपने बिजनेस को भी संभाल रहे होते हो, और फिर शाम को जब भी समय मिले आप सेवा में भी दौड़ रहे होते हो, तो इसका आपको डबल फायदा मिलता है। और आत्माओं की दुआएं मिलती हैं जिससे कि आपके पाप कम होते हैं, आपके मन में शांति आती है, आप सुखी रहते हो, क्योंकि दुआएं हर चीज़ काम करती हैं, दवा से भी ज़्यादा दुआ काम करती है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, विजडम बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं। जब आप सेवा करते हो तो आपको अनुभव मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए विचार मिलते हैं, नए नए तरीके मिलते हैं। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए, डबल जिम्मेवारी होते हुए घर बार भी संभाल रहे हैं, जॉब को भी संभाल रहे हैं, और साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं, डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने समझ लिया ये सब कुछ मेरा है, ये तन मेरा है, ये जीवन मेरा है, ये सब संसार मेरा है, सारी चीज़ें मेरी हैं, सारे संबंधी मेरे हैं, तो अगर जो चीज़ मेरी होती है उसको तो कुछ होना नहीं चाहिए ना, राइट? क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो फिर मन ऊपर नीचे होगा, भावनाएं ऊपर नीचे होंगी। लेकिन आज के कलयुग में कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ट्रस्टी होकर के काम करो, ट्रस्टी होकर के हर चीज़ का ख्याल रखो, हर व्यक्ति का ख्याल रखो। लेकिन मेरापन अगर उसमें आएगा तो वो मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे अनुसार बोलने चाहिए वो लोग, मेरे अनुसार काम करना चाहिए उनको, मेरे अनुसार डायरेक्शन में चलना चाहिए। ये ट्रस्टी नहीं करता है। तो ये जो गृहस्थी होता है, जो बोझ में होता है, वो करता है कि हर चीज़ मेरे अनुसार ही चलनी चाहिए। मैं जब बोलूँ तब हो, जब मैं जब बोलूँ तब उठे, जब मैं बोलूँ तब खाए, जब मैं बोलूँ तब सोए। ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, ये ट्रस्ट ही नहीं करता है। मतलब वो बोझा नहीं रहता है, उसको पता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो सही समय पर, राइट टाइम पर ही हर कार्य हो रहा है और राइट टाइम पर ही होकर रहेगा। फिर परमात्मा कहते हैं जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। ये मेरी गृहस्थी है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर बार है, ये मेरे लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फिर उनको बोझा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्पांसिबिलिटी से दूर भाग जाओ। ये मेरे लोग नहीं हैं, मेरे भाई बहन नहीं हैं, ये तो सिर्फ मेरे साथ में ड्रामा में प्ले कर रहे हैं, अब इनको इनको देखना नहीं, इनको इनका ख्याल नहीं रखना। नहीं, ये परमात्मा नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी परिवार वाले हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपके ऊपर उनका आपके ऊपर 100% कंट्रोल नहीं है। उनके ऊपर, चीज़ों के ऊपर आपका 100% कंट्रोल नहीं है, लोगों के रिएक्शन के ऊपर आपका 100% कंट्रोल नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आपका 100% कंट्रोल नहीं है, बिकॉज वो इंडिविजुअल सोल्स हैं, उनका अपना लाइफ टाइम है, उनका अपना लाइफ स्टाइल है, चीज़ों का भी अपना लाइफ होता है। आज हैं, कल ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको आप मेरा, मैंने ये समझा तो आपको दुख होगा। तो परमात्मा हमें दुख से कैसे अपने आप को रिलीज़ करना है उसका ये हमें एक तरीका बता रहे हैं कि ट्रस्टी होकर के हर चीज़ को संभालो तो बोझ नहीं रहेगा। लेकिन जो ट्रस्टी नहीं होते हैं, जो मेरा मेरा करते हैं, उनके ऊपर बोझ चढ़ता है, वो हर चीज़ में घबराते हैं, हर चीज़ में हाय ये क्यों हो गया, हाय तौबा करते हैं वो लोग, तो फिर वो चीज़ों को और बिगाड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमें सिखाई जाती है ब्रह्मा कुमारी इसमें, ट्रस्टी बनकर के कैसे हर चीज़ को संभालना। आप भी सीख सकते हैं इसको, आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर चीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो संबंधी हों, साथी हों, कि मेरा इनके ऊपर कितना कंट्रोल है। जो इंसान कंट्रोल ज़्यादा करने की कोशिश करता है वो ट्रस्टी नहीं है, वो बोझ में रहता है हमेशा, और वो बोझ वाला बुढ़ापे में चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है ब्रह्मा कुमारी से। आप यह करके सीखें। ओम शांति के साथ।